भारत बौखला गया है। कल बाबर इफ्तखार के बयानात के बाद अब भारतीय आर्मी चीफ ने पाकिस्तान को धमकी दी है कि तमाम बॉर्डर्स को हाई अलर्ट कर दिया गया है। गुज़िश्ता दिनों बाबर इफ्तखार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा था कि भारत का चेहरा दुनिया में बेनकाब हो गया है, भारत का झूठा मीडिया दुनिया में बेनकाब हुआ कि कैसे वो झूठी खबरें घड़ते हैं। उन्होंने खबरदार किया कि भारत को हर मैदान में बाखूबी जवाब देंगे। इसी से भुकलाए भारतीय आर्मी चीफ ने आज पाकिस्तान और चीन को धमकी दी है कि हम हर सूरत हाल के लिए तैयार हैं। भारतीय आर्मी चीफ ने यह भी खदशा जाहिर किया कि पाकिस्तान और चीन मिलकर कोई हमला कर सकते हैं, जिससे भारत की बुकलाहट साफ जाहिर होती है। कैसे भारत पाकिस्तान और चीन से खौफजदा है? एक तरफ भारतीय एयरफोर्स कहती है कि हम जंग लड़ने को तैयार नहीं, दूसरी जानिब आर्मी चीफ कह रहे हैं कि हम जंग के लिए तैयार हैं। इससे वाजिया होता है भारतीयों के अपने ही बयानात एक दूसरे से नहीं मिल रहे, तो वो जंग के मैदान में क्या कम्युनिकेशन कर पाएंगे? ये तो वाजिया है कि मोदी हुकूमत ने फौज को कोई मिशन दिया है ताकि किसानों से उनकी जान छुड़ाई जाए और पाकिस्तान की तरफ सबका रुख किया जाए, जिससे मोदी अपनी सियासत को चमका सकेगा।